हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइडिया एंड क्राफ्टिंग। मैं हूँ शिवानी। सो गाइस, कैसे हैं आप? सो गाइस, मैंने पहले अपने चैनल पे कुछ स्क्रैप बुक आइडियाज एंड एक्सप्लोजन बॉक्स आइडियाज ऐसे टाइप के वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर ये वाला वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो वो सारे वीडियोस को देख के और बनाने में आपको इजी होगा। सो जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग स्क्रैप बुक या फिर एक्सप्लोजन बॉक्स बनाते हैं उसमें हम लोग कुछ स्मॉल कार्ड्स ऐसा सब ऐड करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 इजी एंड सिंपल कार्ड आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो आप अपने स्क्रैप बुक एंड एक्सप्लोजन बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसका और एक पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें मैं और 5 to 6 कार्ड आइडिया शेयर करने वाली हूँ। सो उसको भी आपको देखना है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल बटन है उसको भी हिट करना होगा, सो दैट मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और ज्यादा बातें ना करके लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो हमारे फर्स्ट कार्ड के लिए आपको इस तरह से पेपर ले लेना है और उसको इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। मैं स्मॉल स्क्वायर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इस तरह से एक हार्ट कट कर लिया है और ये हार्ट को मैं इस तरह से प्लेस करके इसका जो शेप है उसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी और फिर हमें इसी शेप के हार्ट को हमें इस तरह से कट कर लेना है। इसी तरह से हमें तीनों साइड्स में इस तरह से हार्ट ड्रॉ करके कट कर लेना है और उसके बाद हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, सो दैट कि ये दोनों हार्ट्स हमारे इस तरह से अच्छे से फोल्ड हो जाए और ये इस शेप में आ जाए। इसी तरह से आपको और एक भी बना लेना है और इस तरह से दोनों जो पीस है हमको इस तरह से स्टिक कर देना है। मैंने यहाँ पे एक प्रिंटेड पेपर से इस तरह से हार्ट कट कर लिया और मैं यहाँ पे इस तरह से इसे स्टिक कर दूंगी। तो हमारा पहला एंड ब्यूटीफुल कार्ड इज नाउ रेडी। हमारे सेकंड कार्ड के लिए भी आपको इस तरह से एक पेपर ले लेना है और उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग का जो प्रोसेस है उसे आपको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है, नहीं तो आपका कार्ड ठीक से नहीं बनेगा। उसके बाद आपको और एक इस तरह से पेपर ले लेना है और फिर हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इसके मिडिल में एक मार्क बना देना है और जो पेपर को हमने फोल्ड किया है उसे इस तरह से वो मार्क पे एग्जैक्टली सेंटर पे हमें स्टिक कर देना है। सो हमारा सेकंड एंड ब्यूटीफुल कार्ड इज आल्सो रेडी। आप इसमें कोड्स या फिर इमेजेस कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। हमारे थर्ड कार्ड के लिए भी हमें इस तरह से एक छोटा सा पेपर ले लेना है और उसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इस पे एक हार्ट ड्रॉ कर लेना है और इसको हमें कट कर लेना है। हमें ये हार्ट को इस तरह से मिडिल से कट कर लेना है। उसके बाद हमें एक पेपर का स्ट्रिप लेना है इन द साइज 15 cm × 3 cm और उसके बाद हमें दोनों साइड से एक बार 3 cm पे और एक बार 6 cm पे दो टो मार्क बना लेना है। उसके बाद हमें ये मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ऑलवेज रिमेम्बर, जो मैं फोल्डिंग प्रोसेस दिखा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से देखिए, नहीं तो आपका कार्ड बहुत ही खराब बनेगा। सो ये एग्जैक्टली इसी तरह से फोल्ड होना चाहिए। उसके बाद हमने जो दो हार्ट के जो पीसेस है उसे हमें इस तरह से दोनों साइड्स पे स्टिक कर देना है। सो हियर वी गो, आवर थर्ड एंड ब्यूटीफुल कार्ड इज ऑल्सो रेडी।
हमारे फोर्थ कार्ड के लिए मैं जो मेजरमेंट दी हूँ स्क्रीन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक पेपर कट कर लेना है और उसके बाद हमें कंपास के हेल्प से इस तरह से दोनों साइड्स में सेमी सर्कल्स बना लेना है और उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। करने के बाद आपको इस तरह से कुछ शेप मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिक कर देना है। उसके बाद आपको एक बड़ा पेपर और एक थोड़ा सा छोटा साइज का पेपर ले लेना है और ये छोटे साइज के पेपर को बड़े साइज पेपर के ऊपर इस तरह से आपको स्टिक कर देना है। उसके बाद पंचर के हेल्प से मैं यहाँ पे इस तरह से पंच कर लूंगी और एक थ्रेड इस पे टाई कर दूंगी। अगर आपके पास लेस है तो आप लेस भी टाई कर सकते हैं, एज यू विश। Our fourth and simple card is now ready. हमारे fifth card के लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह से एक paper ले लेना है और उसे हमें इस तरह से दोनों sides से इसको divide कर लेना है। उसके बाद हमें एक छोटा सा paper लेना है in this size 5 cm into 4 cm और इसे भी हमें middle से दोनों sides से divide कर लेना है। बाद हमें छोटे पेपर को बड़े पेपर पे इस तरह से सेट करना है सो दैट कि जो लाइंस है वो पूरा सेम हो। उसके बाद हमें चारों साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हमें जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको दोनों साइड्स के साथ इस तरह से स्टिक कर देना है और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हमें थोड़ा सा हल्का सा सर्कुलर मोशन में इसको ट्रिम कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे टोटल 4 एनवेलप्स बना लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से एक पेपर का पीस ले लूंगी और मैं सारे एनवेलप्स को इस पे इस तरह से स्टिक कर दूंगी। So guys, our final card is also ready. So guys, कैसा लगा आपको मेरा ये वाला वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर क्या सोच रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर सम अमेजिंग DIY एंड क्राफ्टिंग वीडियोस और जो बेल बटन है उसे भी हिट कर देना सो दैट मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल विल बी ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय।